गुड मॉर्निंग हिमाचल, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। दिस न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट टू बाय बर्मा ज्वेलर्स सोलन, द बिगेस्ट ज्वेलरी शोरूम ऑफ हिमाचल प्रदेश। दीपावली पर ऐसा रहेगा मौसम, रविवार को धूप खिलने से लोगों को मिली राहत। पीएचडी की 172 सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा, ऑनलाइन आवेदन 6 नवंबर तक। प्रियंका गांधी 31 को कुल्लू में करेंगी रोड शो, मंडी में करेंगी चुनावी जनसभा। और अब समाचार विस्तार से। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में शनिवार को मौसम साफ रहा। रविवार और सोमवार को दीपावली के अवसर पर भी मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 26 अक्टूबर तक प्रदेश में धूप खिलने की संभावना जताई है। शनिवार को ऊना में अधिकतम तापमान 32.2, बिलासपुर में 29.5, हमीरपुर में 28.2, कांगड़ा धर्मशाला में 27.2, मंडी सोलन में 26 और शिमला में 20.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। उधर शुक्रवार रात को केलांग में न्यूनतम तापमान -1.5, कुकुमसेरी में -1.4, कल्पा में 1.6, मनाली में 4, शिमला में 10.1 और धर्मशाला में 15.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1 लाख का नकद इनाम, एलईडी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित होंगे दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में, जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज पेपर एजेंसी से संपर्क करें या फिर हमें कॉल करें 01892264713 पर। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय पीएचडी की 172 सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन करेगा। यह परीक्षा 20 नवंबर को होगी। 30 नवंबर को परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 26 अक्टूबर से 6 नवंबर तक किया जा सकेगा। सीओ के परीक्षा नियंत्रक की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय पीएचडी 2022-23 की 172 सीटों के लिए 26 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन मांगेगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 31 अक्टूबर को सुबह कुल्लू में रोड शो और दोपहर बाद मंडी में चुनावी जनसभा करेंगी। प्रियंका की प्रदेश भर में 8 रैलियां कराने की तैयारी है। पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी चुनाव प्रचार के लिए हिमाचल आएंगे। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के प्रदेश में प्रचार के लिए आने के लिए आसार कम है। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र भी तैयार है। घोषणा पत्र में बीते दिनों जारी की गई 10 गारंटियों के अलावा समाज के सभी वर्गों से संबंधित मामले शामिल किए गए हैं। किसी राष्ट्रीय नेता के माध्यम से ही घोषणा पत्र को जारी करने की योजना बनाई गई है। 25 अक्टूबर के बाद घोषणा पत्र जारी करने की तारीख तय होगी। 50 साल पहले हमारे पास आप नहीं आए, आए थे आपके दादाजी, दादी जी, नाना जी या नानी जी। वो थी इस रिश्ते की बुनियाद। उसके बाद आपके पिताजी, माँ और अन्य परिवारजनों ने इस रिश्ते को जारी रखा। 50 साल से जुड़ा हुआ ये रिश्ता ही तो है जिसने 5 लाख से ज्यादा लोगों को इस विश्वास के अटूट बंधन में बांध के रखा है। और अब हम इस रिश्ते को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं आपके साथ। आइए गहनों से भरे हमारे 5000 स्क्वायर फीट में फैले भव्य शुरू, जहां आप पाएंगे आपकी सेवाओं में हमारे तकरीबन 100 से अधिक सहकर्मी, उसी 50 वर्षों से चली आ रही गारंटी के साथ सही कीमत, पूरी शुद्धता और जिंदगी भर की सेवा के वादे के साथ। तो स्वागत करते हैं हम आपका आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स को। और हाँ, अपने बच्चों को साथ लाना मत भूलना, आखिर आपकी और हमारी परंपरा को वही तो कायम रखेंगे।
मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।